और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सम्मान में जीपीओ ने एक विशेष कवर जारी किया है। पद्मभूषण संगीतज्ञ आचार्य गोकुलोत्सव महाराज ने कवर का लोकार्पण किया है। लता जी के सम्मान में विशेष कवर जारी किया गया है। आपको बता दें, सम्मान में जीपीओ ने एक विशेष कवर जारी किया है और पद्मश्री आचार्य गोकुलोत्सव महाराज ने इसका लोकार्पण किया है, इसका उद्घाटन किया है। लता जी के सम्मान में विशेष कवर जारी किया गया है। इंदौर में सम्मान में जीपीओ ने एक विशेष कवर जारी किया है। आचार्य गोकुलोत्सव महाराज ने कवर का लोकार्पण किया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये वही कवर है जो लता जी के सम्मान में जारी किया गया है। लता जी के सम्मान में विशेष कवर जारी किया गया है। जीपीओ ने एक विशेष कवर जारी किया है। संगीतज्ञ आचार्य पद्मश्री गोकुलोत्सव महाराज ने इसका लोकार्पण किया है। इंदौर चलेंगे, हेमंत शर्मा से बात करेंगे। हेमंत, एक विशेष कवर लॉन्च किया गया है, इसका लोकार्पण किया गया है, क्या कुछ खास है लता जी के बारे में इस कवर में? देखिए, बिल्कुल, इंदौर में जन्मी लता जी का जो स्पेशल कवर है इंदौर जीपीओ में जारी किया गया है और यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई है जिसमें भारतीय कलाकार जो सिनेमा के रहे उन सभी कलाकारों का यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन विशेष तौर पर लता जी के लिए जो ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, इसमें लता जी की हर वो तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उनके समय की थी, जो उन्होंने गीत गाए उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी में दर्शाया गया है और स्पेशल कवर जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो हमारे साथ में यहाँ के जो पोस्ट मास्टर साहब हैं वो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद, सर स्पेशल कवर जो है वो कल आपके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। लता जी के स्मृति में कल माननीय पोस्ट मास्टर जनरल और प्रख्यात संगीतज्ञ जो हैं गोकुलोत्सव जी, उनके द्वारा ये स्पेशल कवर का रिलीज़ किया गया, उनको एक आदरांजलि दी गई है। तो ये जो वो स्पेशल कवर है ये आप देख सकते हैं, ये कवर स्पेशल कवर जो है ये जीपीओ द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। इस कवर की खासियत है कि इस कवर को जो जितनी सुंदरता से लॉन्च किया गया है, इस कवर के जरिए जो है हर जो व्यक्ति है वो इन्हें याद कर सकता है। हालांकि लता जी को भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन उनके गानों के जरिए उन्हें याद भी रखा जाता है, लेकिन जीपीओ ने जो है एक लता जी की याद में जो ये स्पेशल कवर है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है और इसको लेकर हम बात करेंगे। मैम, स्पेशल कवर भी यहाँ पर लॉन्च हुआ है, कितनी खुशी है इसको लेकर? वैसे तो इंदौर के लिए बहुत गर्व की बात है कि लता जी हमारे यहाँ से ही है और ये स्पेशल कवर जो लॉन्च हुआ है ये एक प्रकार से ये है उनके लिए श्रद्धांजलि भी है और जब भी स्पेशल कवर को हम देखेंगे तो हमें उनकी याद आती रहेगी। वैसे उनको भुलाया नहीं जा सकता, उनके गीत जब भी हम सुनते हैं तो हम उनको याद करते हैं, हम उनके गीतों को सुनते नहीं है। हेमंत, जरा इनसे पूछिए एक बार इंदौर वासियों से कि क्या इनकी ऐसी मांगे हैं कि इंदौर में लता जी के लिए कुछ खास किया जाए इंदौर में, क्योंकि इंदौर में पली बड़ी है, बचपन का गुजरा वहाँ पर। हेमंत, अच्छा बिल्कुल, देखिए इंदौर में जो लता जी हैं वो इंदौर में जन्मी थी, इंदौर में पली बड़ी थी, उनके लिए क्या लगता है आपको और भी कुछ ऐसी चीज़ें इंदौर में होनी चाहिए जो सरकार की तरफ से लॉन्च हो यहाँ पर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्योंकि इंदौर से हमारे यहाँ इतनी बड़ी हस्ती जो सारे भारत में ही नहीं विश्व में प्रख्यात है, उनके लिए और भी ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिससे कि हम उनको पूर्ण श्रद्धांजलि दे सकें और याद कर सकें कि हमारी लता जी सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिल में हैं। बिल्कुल, यहाँ के जो पोस्टमार्टम साहब हैं वो भी हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं। सर, ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसका उद्देश्य क्या है और कितने दिनों की ये प्रदर्शनी है जो लगाई गई यहाँ पर? ये दर्शकों के लिए 5 दिनों के लिए लगाई गई है अवकाश छोड़कर, और इंदौर के दर्शक इसका लाभ ले सकते हैं। इसी तरह हम अपने कलाकारों को, और जो हमारा एक विधा होती है फिलैटेली करके जिसमें डाक टिकटों का संग्रह किया जाता है और ज़्यादा दर्शक इसमें रुचि लेके फिलैटेली के सदस्य बने, यही हम लोग का एक प्रयास है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लता मंगेशकर जी हैं उनके साथ साथ और भी जो भारतीय सिनेमा के कलाकार रहे हैं जिनके स्टाम्प और स्पेशल कवर जारी हुए थे वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जो लता मंगेशकर जी हैं उन्होंने 1977 में एक लंदन के रॉयल ऑर्बर्ट हॉल में एक प्रस्तुति दी थी जिसमें भारतीय कलाकार, वो पहली ऐसी कलाकार थी जिन्होंने दिलीप कुमार के कार्यक्रम का संचालन भी किया था। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया हेमंत शर्मा बातचीत करवाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।